नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नोइस के एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ईयरबड्स। जी है मेरे पास दोस्तों नोइस के ईयरबड्स नैनो, ये देखिए। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इनकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस बॉक्स में हमें ईयरबड्स हैं उनकी कैसी क्वालिटी मिलती है और इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इनकी प्राइस क्या होने वाली है, क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी दोस्तों कैसी है वो मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसके अंदर जो हमें केस वगैरह मिलते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों सबको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखकर बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसी बॉक्स की ईयरबड्स नैनो जो नॉइस की तरफ से है इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरे पास नोइस का ईयरबड्स नैनो, ये देखिए, जिसका मेरे पास ब्लैक कलर है। और दोस्तों जब मैंने इसको परचेस किया था तो मैंने वहीं पे इसको ओपन करके देखा था, इस चक्कर में इसके ऊपर जो रैपर होता है प्लास्टिक वाला वो हट चुका है, क्योंकि मैंने वहाँ पर सिर्फ ट्राई किया था कि इसके अंदर हमें फुल एक्सेसरीज और जो बड्स होता है वो हमें मिल भी रहा है या फिर खाली बॉक्स तो नहीं दे दिया, तो मैंने चक्कर में वहाँ पर ओपन किया था बट यूज अभी तक नहीं किया, कल शाम को ही मैंने इसको परचेस किया है। तो दोस्तों देखिए सबसे ऊपर पहले बॉक्स ऊपर देता हूँ हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों देखिए ब्लैक कलर में यहाँ पर छपा हुआ है नोइस का ईयरबड। दोस्तों ब्लैक कलर मैंने इसलिए लिया क्योंकि ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी नॉर्मल कलर होता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। दूसरा कलर दोस्तों आप इसमें ब्राइट भी ले सकते हो पर दोस्तों वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर नोइस की ब्रांडिंग दी गई है नोइस बड्स नैनो ईयरबड्स नैनो। साइड में दोस्तों कुछ और लिखा हुआ है, लिसन टू द नोइस विथिंग। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही इंप्रोमेशन दी गई है इसमें। पीछे की साइड में दोस्तों इसमें इसका EMI नंबर जो होता है वो कुछ दिया गया, बार कोड वगैरह। और साइड में दोस्तों इस साइड में आपको दिखाया गया है डिज़ाइन इन इंडिया, यानी दोस्तों जो इंडिया के अंदर डिज़ाइन किया गया है, बट दोस्तों ये है चाइना का तो आपको इस बात का ध्यान ही रखना है। और ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं है, तो चलिए तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है ये। यहाँ पर दोस्तों दो कट आते हैं वो जो कि मैंने शाम को जैसा कि आपको बता रहा हूँ वो मैंने कट कर दिए थे इस तरीके से, देखिए एक कट दोस्तों यहाँ पर आता है ये लगा हुआ ये, तो मैंने इसको कट कर दिया। एक दोस्तों इस साइड में आता है तो मैंने दोनों कट कर दिए थे ये कल शाम को ही। अब दोस्तों जो इस तरीके से बॉक्स मिलता है तो इसको आपको साइड से खुलना है, इस तरीके से यहाँ से खुलेगा ये। तो जब आप इसे खोलोगे तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिलते हैं जिनमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए पहले तो हमें मिलता है ये स्टिकर है दोस्तों नोइस की तरफ से, नया आप यूज़ कर सकते हो जी। दोस्तों इसमें कुछ कार्ड वगैरह दिए गए हैं, वारंटी वगैरह, इसमें आपको इसको QR कोड को स्कैन करना है तब इसकी वारंटी दोस्तों अप्लाई वगैरह होती है, ऐसा कुछ है इसमें। और दोस्तों इसमें आपको कैसे पेयरिंग करनी है, कैसे इसको यूज करना है, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और ये दोस्तों इसकी कोई स्टार्ट गाइड है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, कैसे मतलब इसका जो पूरे फंक्शन वगैरह है कैसे उनको आप यूज करो पाओगे, तो सारी जानकारी इसमें दी गई है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। अब चलते हैं दोस्तों इस बॉक्स की तरफ और क्या मिलता है हमें। तो देखिए जैसा कि इसके अंदर हमें ये ब्लैक कलर के ईयरबड्स हटा के इसके अंदर मिलता है हमें ईयरबड्स नैनो, और इसमें कुछ भी नहीं है बाकी खाली है जो। तो दोस्तों काफ़ी छोटा है, जैसा कि इसका नाम है ईयरबड्स नैनो उसी तरीके से काफ़ी छोटा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था मैंने इनको अभी तक ओपन करके भी नहीं देखा, तो अभी ऐसे कि ऐसा ही है जी। तो इनको ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी मिलने वाली है। तो देखिए ये दोस्तों फ्रंट इसका जिस पर नोइस की ब्रांडिंग दी गई है और काफ़ी छोटा है दोस्तों, देखिए काफ़ी छोटा लग रहा है, बहुत छोटा है ये। इसके पीछे साइड में दोस्तों नोइस लगा हुआ है, नीचे की साइड में दोस्तों आपको यहाँ पे सी टाइप पोर्ट मिलता है क्योंकि इसमें सी टाइप से चार्ज होता है। सॉरी दोस्तों इसमें चार्जिंग केबल और दी गई होगी वो मैं चेक करता हूँ क्योंकि उसके बिना तो चार्ज ही नहीं होगा। हाँ दोस्तों इसके अंदर है इसकी डाटा केबल।
जी इसकी डाटा केबल है दोस्तों, ये देखिए USB A टू टाइप सी डाटा केबल, और ये दोस्तों फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। देखिए तो दोस्तों इसमें नॉइस की ब्रांडिंग दी गई है, पीछे नॉइस लगा हुआ है, नीचे इसमें चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो सी टाइप है, और इसकी के बगल में दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर लाइट दी गई है, और इसके बराबर से दोस्तों एक बटन दिया गया है जिसको दबा के आप पता लगा सकते हो कि इसके अंदर दोस्तों बैटरी है कि नहीं है। देखिए तो इसमें ग्रीन लाइट जल रही है, तो इसका मतलब इसमें बैटरी है, जब इसमें इसको दबाने के बाद रेड लाइट जलने लगे तो समझ लो इसमें बैटरी नहीं है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ आगे से, तो उसे देखिए काफ़ी अच्छी फिटिंग है। तो देखिए अगर मैं इनको अपने आप कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप बंद नहीं हो रहे हैं, आपको एक बार करना पड़ेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी फिटिंग है, अब मैं इनको दिखाता हूँ, इनको निकाल के आपको। तो दोस्तों देखिए ये कुछ इस तरीके से ईयरबड्स हैं जिनमें आपको जो रबड़ मिलती है वो नहीं है, तो जी मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे, क्योंकि रबड़ वाले दोस्तों जो होते हैं वो हमारे जो कान होते हैं उनको एकदम सील कर देते हैं, बाहर की नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आती, बट ये काफ़ी अच्छे हैं। जैसे दोस्तों आपको एप्पल के ईयरबड्स मिलते हैं, सेम उसी तरीके से इनकी डिज़ाइन की गई है, जिनमें दोस्तों यहाँ पर कट दिया गया है, एक साइड में दिया गया है जी, जिससे दोस्तों आपको अच्छे से जो धमक वगैरह होती हैं वो क्लियरली सुनाई दे सके। तो इनके ऊपर दोस्तों जी क्या बोलते हैं दोस्तों, रबड़ ये लेबल लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है डिज़ाइन है, इनको आपको हटाना पड़ेगा यूज़ करने से पहले, तभी ये वर्क करेंगे। तो मैं इनको हटाता हूँ, देखिए आपको इनको हटाना है तभी ये दोस्तों ये वर्क करेंगे। अब दोस्तों इनकी क्वालिटी देखिए, देखने में काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग है, और यहाँ दोस्तों टच सेंसिटिव बटन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको टच करना है, यूज़ कैसे करना है, कितनी बार प्रेस करके कितनी बार दबा के क्या क्या फंक्शन ऑन होंगे, ये सब आपको क्विक स्टार्ट गाइड में देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसमें आसानी से समझ सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छी है दोस्तों, देखिए इसमें फिटिंग वगैरह आप आराम से इसमें लगा सकते हो, मैग्नेट काफ़ी अच्छी है इसकी, अपने आप नहीं करती दोस्तों, देखिए लाइट जलने लगी इसकी, और ये अपने आप नहीं करते दोस्तों देखिए, क्योंकि इसकी फिटिंग जो काफ़ी अच्छी है, और मैग्नेट सिस्टम दोस्तों वो भी काफ़ी मजबूत दिया गया, गिर नहीं रहे हैं ये, और ये चार्ज होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि मैंने इनकी रबड़ वगैरह जो निकाल दी नीचे से। तो ये अब चार्ज हो रहे हैं क्योंकि इनकी जो बैटरी है वो काम करना शुरू कर दी उन्होंने। अब दोस्तों बताता हूँ मैं हमको आपको कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों देखिए बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया है, ये देखिए इसमें आपको 14 mm समथिंग के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों जितने बड़े ड्राइवर होते हैं उतनी साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, तो इसमें 14 mm के ड्राइवर हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। फुल टच कंट्रोल है ये, जिससे दोस्तों आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को अपने ईयरबड से ही कंट्रोल में रख सकते हो, और दोस्तों इसमें हाइपर साइन का जो ऑप्शन दिया गया है, और अगर आप इसमें कोई सिस्टम कर चुके हो तो आपको जो बटन दिया गया है इसमें उसको लॉन्ग प्रेस करके दबाने से, ये वाला बटन तो दिया गया है यहाँ पर जी, दबाने से दोस्तों जो एक बार रिसेट हो जाएंगे, आपने जो भी सेटिंग की होगी वो सब रिसेट हो जाएगी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है इसमें। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए इसकी डायमेंशन वगैरह सब दी गई, साइज कितना है, और इसके अंदर आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे सिस्टम देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके बैटरी बैकअप की बात करूं दोस्तों, अगर आप इसे फुल चार्ज कर लेते हो इस बॉक्स को, तो फुल चार्ज करने के बाद दोस्तों ये समथिंग आपको 50 से 60 घंटे का बैकअप दे सकता है, इतना दोस्तों कंपनी क्लेम करती है, बट आप नॉर्मल मान के चलो कि आप एक बार फुल चार्ज करने पर इस बॉक्स इसको जो आपके ईयरबड्स हैं ये आपको 7 से 8 घंटे का बैकअप दे सकते हैं फुल चार्ज होने के बाद। नॉन स्टॉप आप इन्हें यूज़ करते हो तो आप उस 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक का बैकअप दे सकते हैं, और इनको आप इस बॉक्स से फुल चार्ज होने के बाद इसको फुल चार्ज होने के बाद आपको चार बार इसे इनको चार्ज कर सकते हो इस बॉक्स से, तो आप करीब 35-36 घंटे का बैकअप आपको मिल सकता है। और दोस्तों साउंड क्वालिटी की बात करूँ मैं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है, जब आप इन्हें अपने कान में यूज करते हो तो ये एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम फिट हो जाते हैं, ये थोड़े से नीचे लटकते हैं क्योंकि इनकी फिटिंग इस तरह से दी गई है, जिससे क्या होता है कि जब आप इनको यूज करते हो
तो आपको काफ़ी अच्छा बेस धमक सुनाई देती है, तो काफ़ी अच्छा साउंड आता है। बट जब आपसे कोई बाहर की बात करता है तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है कि आपसे कोई कुछ बोल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आपके कानों में दर्द वगैरह जो होता है रबड़ वगैरह के ईयरबड से, वो भी आपके कानों में दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल है। आगे से कोई भी ऐसे रबड़ वाला सिस्टम नहीं है जो आपके कानों में एकदम से फिट हो सके, तो ये काफ़ी अच्छी है। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप इनको ले सकते हो। और वारंटी दोस्तों इसकी वन ईयर की है, सर्विस सेंटर से आपको वारंटी मिलेगी जब आप इस कार्ड पे जो क्यूआर कोड है उसे स्कैन करोगे तब। तो काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप इन्हें लेना चाहते हो ले सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इसका दूसरा कलर लेना है तो वो वाइट कलर आता है, वाइट भी कलर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है इसका। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।